हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम कहाँ जा बैक रही है टू जो माय यूट्यूब चैनल गुंजन स्कूल विक्की ब्लॉग। तो आज मैं बाय ब्लॉग की शुरुआत कर रही थी 10 बजे से, और अभी 2 बजे अपेक्षा आना जा फिर अब रही ठीक है है। हेजल को छोड़ने आंगनवाड़ी। तो आजकल छुट्टियों में ये यहाँ आई है अपेक्षा, विंटर की छुट्टियों में। तो हेजल को तो दीदी चाहिए, तो आजकल यही छोड़ के देती है इसको। तो फिर इसके बाद आज बनाएंगे हम हिमाचल की लोकप्रिय डिश सिड्डू। इसको बहुत अच्छे लगते हैं अपेक्षा को और हमें भी, और ये सर्दियों में सभी जगह बनाए जाते हैं, हिमाचल में ही नहीं बल्कि इसको बाहर भी बहुत पसंद किया जाता है। और देखिए आज कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। तो फिर चलिए बनाते हैं हम सिड्डू। और ये मैंने इसमें ईस्ट डाला हुआ है ताकि अच्छी तरह से फूले, और थोड़े गुनगुने पानी में गूंद के रखती हूँ मैं इसको। तो चलिए फिर करते हैं काम। ये देखिए, इसे अच्छी तरह मिक्स करना होता है पहले, फिर उसके बाद मैं इसको आटा गूंद के रखूँगी। तब तक आटा जब तक फूल जाता है, तो तब तक इसकी स्टफिंग वगैरह और कुछ और काम है मुझे, तो तब तक मैं वो कर लेती हूँ। और इसको मैं आटा गूंद के फूलने के लिए छोड़ देती हूँ यहाँ धूप में। गाइस, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जो भी यहाँ मनाली घूमने आते हैं तो सबसे पहले वो सिड्डू ही खाते हैं, और सर्दियों में इसको ज़्यादा बनाया जाता है क्योंकि ये जो इसकी स्टफिंग होती है अखरोट की, वो थोड़ी गर्म होती है, इसीलिए इसको सर्दियों में बनाया जाता है। तो देखिए गाइस, ये मैंने इसमें आटा गूंद लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के रखती हूँ ताकि ये चिपके ना बाहर जब ये फूल जाएगा। तो फिर मैं इसमें एक पॉलीथीन लगाऊंगी बाहर से और इसे ढक के रखूंगी अच्छी तरह से, तब तक ये धूप में हो जाता है। अगर हल्के गुनगुने पानी में भी आप कर लेते हैं इसको, आटा गूंद लेते हैं, तो तब भी फूल जाता है ये। तो देखिए, ये मैंने इसमें पॉलीथीन लगा लिया है, तो अभी इसमें इसको मैं धूप में छोड़ूंगी। तो थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा, तब तक मैंने कपड़े धो लिए थे हेजल के। देखिएगा, हेजू के कपड़े धोए आज तो। और उसके बाद लाए मैंने अखरोट, तो इसके निकालूंगी मैं सीड्स अभी सभी इसमें। फिर इसकी बनाएंगे हम चटनी। देखिएगा, इस तरह से निकालेंगे। फिर उसके बाद गई मैं खेत को, और खेत से लाई मैंने ये लहसुन और प्याज की कलियाँ, क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत आता है। और ये देखिए गाइस, इसको हम शील बोलते हैं, और इसमें ना बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी। आप यहाँ पर मिक्सर का यूज़ भी कर सकते हैं, बट हम इसका ही यूज़ करते हैं चटनी के लिए। जो हाथ वाले चटनी में जो टेस्ट आता है, वो टेस्ट आता है ना, वो मिक्सर में नहीं आता है। और ये देखिए गाइस, ये मैंने अखरोट की चटनी बना ली है। तो ये अभी तैयार हो गई है चटनी। फिर उसके बाद बताएंगे हम आपको सिड्डू बनाने। मुझे तो इसकी अच्छी लगती है, हमारे यहाँ तो इसको शील बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। देखिए गाइस, चटनी की टेस्टी बहुत लग रही है ये देखने को ही, और खाने को भी उतनी ही टेस्टी थी। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है चटनी वाला। तो ये अभी हो गया है। तो गाइस प्लीज़ आप हमारी फुल वीडियो देखा करें। तो ये देखिए, ये कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद बनाई मैंने सिड्डू। तो मेरे पास कैमरा पकड़ने वाले नहीं थे आज, इसीलिए मैंने पहले सिड्डू बनाए फिर उसके बाद दिखाए आपको। देखिए, हमारे यहाँ मनाली में ना ऐसे ही सिड्डू बनाते हैं, शिमला और उस साइड कुछ अलग सिड्डू बनते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं। और इसमें डाला मैंने घी, और इसकी जो चटनी थी वो कुछ बची हुई थी, तो मैंने वो सिड्डू के साथ निकाली, और बहुत ही टेस्टी। देखिए,
ये देखिए घी और चटनी, ये बहुत अच्छी थी तो हमने ये सिट्टू के साथ खा ली।